और भी हमने ऐसे जो प्रोजेक्ट है जिस पे काम किया है उसमें जो हमारा जो अनुभव रहा है वो इस तरह से रहा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तारादी प्रोजेक्ट का रिवेन्यू मैप क्या है। अगर रिवेन्यू मैप अगर हमें पता नहीं हो तो हम ये नहीं जान पाएंगे भी कहा है कि हमारा जो पुराना जो प्राचीन बौद्ध स्थल है उसका है कितना बड़ा है कि एरिया रहा है। तो पहली ये जानकारी जरूरी है। दूसरा है इसके दो सेक्टर बनते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो सरकार की योजनाएं तो सरकार पैसा कमाने के लिए अगर जब कोई चीज़ पॉपुलर होने लगती है तो वो हमारे जो पुराने अवशेष हैं उनके लिए सरकार के लिए इतने महत्व के नहीं है, हमारे लिए वो बहुत महत्व के हैं। तो इसलिए इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके एक तो पेरिफेरियल डेवलपमेंट होता है और एक होता है जो ओरिजिनल जो स्पॉट है उसका डेवलपमेंट। अगर पुरातत्व अवशेष की अगर हमें बहुत सारी जानकारी और मिलती हैं और वो पूरा अवशेष के ही रहते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पुरातत्व विभाग है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पुरातत्व विभाग है ये दोनों अपना अलग अलग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट है कि इसको हाथ में ले, और स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट से पता करना पड़ेगा। लेकिन रिवेन्यू स्टेट अगर वहाँ पे अगर फॉरेस्ट एरिया आता है तो वो ये भी बताए भी कि फॉरेस्ट में कितनी ज़मीन आ रही है या जो सरकारी सिवाचक की ज़मीन है तो वो कितनी ज़मीन आ रही है या आबादी की प्रभावित ज़मीन है तो कितनी ज़मीन है। तो इससे हमें पूरा एक एंटायर मैप है वो पता लग जाएगा, अतिक्रमण का भाग कितना है, रिवेन्यू का भाग कितना है, फॉरेस्ट का भाग कितना है, अगर नदी नाले का भी है तो वो भी पता लग जाएगा। तो ये जानना जरूरी है। इसके बाद ही है कि जो सरकार जो प्रोजेक्ट जो बनाने जा रही है वो अगर कल के उसी भूमि पे बना ले और जिसको हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे पूरा अवशेष की खुदाई में कुछ अवशेष निकलेंगे तो फिर हमारा जो उद्देश्य है जो पूरा अवशेष की जो ऐतिहासिक जो जानकारी है वो डंप हो जाएगी और उसके ऊपर निर्माण होने के बाद में हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार तो ये कहेगी कि हमने आपके प्रस्ताव पर भी काम किया है। तो ये जो जानकारी है, क्योंकि ऐसा ही हमारे साथ जयपुर में हुआ था। तो जयपुर में एक ऐसा जो विराट नगर है जिसका भामरू शिलालेख का बड़ा जिक्र आता है तो वहाँ पे भी क्या है कि वो पूरा पहाड़ी एरिया है और बिल्कुल पहाड़ के बीच में है, लेकिन वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर बना दिया। पहले एक छोटा सा मंदिर बना, फिर बाद में थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते शिला है चट्टान के नीचे उन्होंने तंबू डाल दिया, फिर चादर डाल दिए। और हम 2009 से लगातार वहाँ यात्राएं ले जा रहे थे तो हमने क्या किया कि हर साल है कि उसकी वीडियोग्राफी कराते कि हाँ अब कितना हुआ। जब सरकार के पास हम गए तो सरकार ने कहा नहीं आपके तो आरोप गलत हैं, ये जो हनुमान मंदिर है वो बहुत ही पुराना है। तब मैं खुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास बैठा था तो सालों साल 6 साल के सारी फोटोग्राफ लेके गया। हमने कहा साहब ये तो साल 2009 का, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15 ये यथास्थिति है, अब आप बताइए अतिक्रमण है या नहीं है। तो इधर हमने रिवेन्यू में रिपोर्ट डाली तो रिवेन्यू वालों ने अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। जब सरकार ने मामला बिगड़ता देखा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पुरातत्व विभाग है, चूंकि हमारा विकास की मांग थी तो उन्होंने तुरंत जितना एरिया जो अभी ऑक्यूपाइड था उसके ऊपर पूरी बाउंड्री बना के और उसको ताला लगा दिया और उसको सेफ कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ अगर हम जगे रहेंगे, मांग करते रहेंगे और हम है कि सरकार को है कि जगाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो बात है वो सुनी जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।